वैसे कहना चाहूंगा आज योगा और केएमबीसी का कोलैबोरेशन मतलब योगा क्या कहना चाहिए कितना अच्छा स्टेप है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे योगा को प्रमोट करने का या इंस्पायर करने का लोगों को एक कैसा इनिशिएटिव मानते हैं ये देखिए तो ढेर सारी चीजें एक साथ आपने पूछ लिया है सवाल एक ही है सर आपको तीन तरीके से इसका जवाब देना पड़ेगा एक अनुसंधान है एक खोज है और ये हमारे शास्त्रों में है पतंजलि अत्रि सुश्रुत वाग्भट और उसके पीछे भी जाए तो और जितने ऋषि मुनि हैं जो जिन्होंने शांडिल्य ऋषि से शुरू होकर के वशिष्ठ और वाल्मीकि से शुरू होकर ये चीजें धीरे 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 आती चली गई समय के साथ साथ कोई चीज जब कोई प्रक्रिया या कोई विज्ञान कोई सिस्टम अगर ऊंचाई को छूता है तो उसका पतन भी होता है और वो पतन धीरे धीरे इस युग में हो गया तो उसके बाद ये हुआ कि शंभु जी जैसे या और भी जो गुणी लोग हैं उन्होंने इन चीजों को अनुसंधान किया हमारे संग्राम सिंह जी हैं इन लोगों ने इन चीजों को ढूंढा धीरे धीरे उन चीजों में गए उन चीजों को के धूल डस्ट निकाल करके उसको निकाल लाया और ला करके अब समाज के सामने लाए तो लाए हैं तो इसके बाद ये जो डिजिटल जो आपने पूछा है कि डिजिटल दुनिया में इसको तो ये एक मीडियम है असली तो मूल ये लोग हैं जो इन चीज़ों को फिर से रीअलाइव कर रहे हैं रीग्रोथ कर रहे हैं लेकिन उनको पब्लिक तक ऑडियंस तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है डिजिटल और डिजिटल क्या है ये बिल्कुल सही समय है कि हम अपनी चीज़ों को योग को या जो योग से जुड़े अपने हेल्थ से शरीर विज्ञान से की चीज़ों को लेकर को डिजिटल जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँच जाए मैगजीन या अखबारों से तो हम उतना नहीं पहुँच पाए सर ये जानना होगा कि आपने इतनी चपल फिल्म का लेखन किया क्या कहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लेखन क्या कहते हैं कि आपको कितना लगता है कि सेंसेबल है या क्या कहना चाहिए आगे का भविष्य क्या नजर आता है देखिए आर्ट तो आर्ट है आर्ट आर्ट अपना फॉर्मेट बदल लेता है साहित्य हर बात घूम फिर करके रूप रंग बदल लेता है और लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने ही तरीके से दिखाई देता है अब हमारे सामने ओटीटी आया है ये कोरोना लॉकडाउन और ये सब चीजें पूरी दुनिया में मतलब अपने देश हिंदुस्तान भारत की बात नहीं कर रहा हूँ पूरी दुनिया में हमको एक नए तरीके से अपनी बात को कहने के लिए प्रेरित किया है आगे बढ़ाया है बाध्य किया है कि हम अपनी बात को डिजिटल के माध्यम से कह पाए ओटीटी के माध्यम से कह पाए और ओटीटी बिल्कुल शार्प है देखिए हर चीज को मेरे ख्याल से थिएटर में या सिनेमा के जरिए या सैटेलाइट या टेलीविजन की स्क्रीन तक हर बात को नहीं पहुंचाया जा सकता है जहां पे जनमानस की बात है जहां पे जो भाषा लेमैन समझती है जो जनमानस के लिए है वो भाषा हम अगर लेमैन की तरह से कोशिश करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा और वो उसके लिए डिजिटल है वो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म माजी का माउंटेन में वो भी एक रियल कहानी है वो आपने लिखी संग्राम का जो सक्सेस है इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट में वो भी कोई कम इंस्पायरिंग नहीं है उनको भी अगर आपको लिखना पड़ा तो लिखेंगे आपको कोई प्रोजेक्ट उनकी लाइफ पे हाँ मैं तो अनएक्सपोज्ड कहानियां ढूंढता फिरता हूँ मांझी उसकी कड़ी थी उसके बाद और भी फिल्में जो लगातार आ रही है या इवन एक दशहरा भी मेरी फिल्म थी वो भी एक अनएक्सपोज्ड स्टोरी थी और संग्राम जी खुद ही एक अनएक्सपोज्ड स्टोरी के एक बहुत जीवंत किरदार कैरेक्टर पहले कुछ लिखने लायक बात करने लायक हो जाए भैया भी कुछ है जीरो एक समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति अर्थराइटिस और मतलब वो चलने फिरने से असमर्थ है और वो फिर वर्ल्ड का बहुत बड़ा रेस्लर बनता है अपने आप में खुद ही एक बहुत बढ़िया स्टोरी है इनकी एक महानता है कि बहुत सहजता में ये बात करते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ ग्रास रूट के आदमी है मतलब कई बार इनके कुछ वीडियोज में देखता हूँ कि खेतों में काम करते थे तो फिर यकीन नहीं होता है कि ये वही संग्राम जी है जो वहाँ पे अपने हरियाणा के गाँव में शायद वैसे ही हम तो आज भी वही है कुछ नहीं बस कोशिश कर रहे हैं और मैं शंभु जी की बात करूंगा ये इन्होंने जो हिंदुस्तान के योग की जो परंपरा को जिस तरीके से नए तरीके से एकदम बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ कि आपके पास 5 मिनट सिर्फ है
ये मेरे से हर बार शंभु जी बताते हैं कि कुछ नहीं, वर्तराज आपके पास 5 मिनट हो, बस 5 मिनट में आपका योगा कंप्लीट हो जाए, पूरे शरीर की धुलाई हो जाएगी। योगा एक वॉशिंग सिस्टम है, शरीर की धुलाई है, और वो धुलाई लंबे प्रोसेस में शरीर शोधन की क्रिया है, और वो शरीर शोधन की क्रिया अगर कोई बोलेगी 5 मिनट में, आज के डेट में किसके पास टाइम है? अब अभी अभी यहाँ से आप लोग भी हो, अभी 10 मिनट के बाद आपको कहीं और दूसरी जगह जाना होगा, हमें भी कहीं और जाना है, तो ऐसे में अगर कोई ये बता दे कि भैया आप 5 मिनट सिर्फ अपने लिए टाइम दे दो, तो इसमें आपके वॉशिंग हो जाएगा बॉडी का। और ये शंभु जी के पास ये विज्ञान इन्होंने ढूंढ करके लाया हुआ है, अभी इनकी ये महानता है। मैं कहूँगा, हर किसी को बोलूँगा कि इस विज्ञान के साथ और शंभु जी के साथ इनके संवेदना ना के साथ जुड़े, और मेरा मानना है कि आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी, 100% छूट जाएगी। अगर आपके पास डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आर्थराइटिस है, या कोई और भी बीमारी, किसी भी माइग्रेन हो, मेंटल कोई प्रॉब्लम हो, एंजाइटी हो, तो वो सब चीजें बिल्कुल, आप दवाइयों से जूझ रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हैं, कब तक दवाइयाँ खा लेंगे? एक बार आप जुड़ करके देखिए कि आप मैं एक चीज बोलना चाहूँगी, गुरु जी का जो प्राणायाम है वो आप अगर पर्टिकुलर एक कुछ रीजन कोई इंटरनल इश्यू है, आप जाते हो उनके पास, तो आपके एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं, वो ओवरऑल बॉडी पे आपका वर्क करना शुरू करता है। सो ये मान लीजिए कि आप की पेट दर्द की समस्या है, आप उसके लिए गए हैं, आप उस पर नहीं, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को रिपेयर कर रहे हो। तो एक एग्जांपल है, मेरी एक सहेली है, जो उसकी बेटी को मसल्स गेन नहीं होते थे, उसके बोन मैरो भी नहीं बन रहे थे, तो गुरु जी से एक साल से वो योग प्राणायाम जो कर रही है, उससे उसके मसल्स गेन होने शुरू हो गए। पहले उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी दिखती थी, अब वो मांस से ऐसे कवर होने लगी, पेट में भी मांस होने लगे और वेट गेन हो रहा है। तो शी इज सो हैप्पी कि वो उसके इंटरेक्शन में जितने लोग आते हैं उनको सबको गुरु जी के बारे में बताने शुरू। थैंक्स फॉर मेडिकल।